अरे जीनत बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाए अंदर आ जाए। नहीं नहीं यार, बस मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, तुम्हारे भाई सोए हुए हैं, मैंने सोचा उनके सोते सोते मैं ही सारा सौदा लेके आ जाऊँ, वरना उठते ही खाने का शोर मचा देंगे। हो अच्छा, लेकिन हफीज भाई अभी तक सो रहे हैं? हाँ, रात को असल में जरा देर से आए थे। अरे जीनत, भारी खड़ी रहोगी, अंदर नहीं आओगी? तुम्हारी बीवी ने ही बातों में लगा लिया, वरना मैं तो सिर्फ इतना कहने के लिए आई थी कि ये घर पर सो रहे हैं, जरा ख्याल रखना, मैं बाजार तक होकर आती हूँ। अगर मेरा पूछने के लिए आए तो उन्हें कह देना कि बाजार तक गई है, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अरे चली जाना, बाजार थोड़ी बंद होने लगा है, थोड़ी देर के लिए हमारे घर पे भी आ जाया करो। नहीं फयाज, पहले सौदा लेकर आ जाऊँ, फिर भले वापसी में बैठ जाऊंगी। ठीक है, जरा ख्याल रखना यार। जी ठीक है। चले अंदर। अरे आगे जी ना यार, एक गिलास ठंडा सा पानी पिला दो। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर आओ पहले। तौबा तौबा यार, बड़ी शदीद गर्मी है। गर्मी में तो औरतों को बाहर जाना ही नहीं चाहिए, यहाँ पसीना आया और वहाँ मेकअप गायब। अरे जीनत बाजी को तो मेकअप की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं बाजार सौदा लेने के लिए गई थी, ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे भाई तो नहीं आए थे मेरा पूछने के लिए? रात को देर तक जागे थे क्या? ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, रात को घर देर से वापस आए थे। अच्छा तुम जरा प्लीज एक काम कर दो, मेरा ये सामान ऊपर तक पहुँचा दो, मेरे हाथों में तो बहुत शदीद दर्द हो गया है। एक कप चाय पिलाएंगी आप? बगैर मतलब के जिंदगी में कभी कुछ मत करना, पिला दूंगी। अच्छा रेहाना तू भी आ जा, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है, आ जाओ जल्दी से लेकर आ जाओ। आ जाओ। अच्छा फयाज, मैं जब तक चाय बना रही हूँ तुम अपने भाई को देख लो, अगर उठ गए तो उन्हें भी साथ ही ले आओ, फिर साथ ही नाश्ता कर लेंगे। हफीज भाई उठ जाएंगे तो खुद ही आ जाएंगे ना? अरे यार वो उठ जाएंगे फिर भी सुस्ती में पड़े ही रहेंगे, मैं जब तक जाकर ना उठाऊं नहीं उठते। तुम जरा देख लो और अगर उठ गए तो उनसे कहो जल्दी से हाथ मुंह धो लें जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ। आप सही कह रही हैं, इन मर्दों के तो नखरे खत्म नहीं होते, फयाज का भी यही हाल है, बुलाओ तो गुस्सा और ना बुलाओ तो गुस्सा। हम ही ने तो इनको बिगाड़ कर रखा है, जब इतना इतराते फिरते हैं। बस कर दे भाभी जी, उठा के आता हूँ भाई को। रेहाना जरा ये सामान उठा के दे दे मुझे। भाभी
अल्लाह खैर क्या हो गया? प्लीज भाई, भाभी अप्रैल 2014 मुकामी थाने को इतला मिली कि इलाके में दिन दिहाड़े घर में घुसकर हफीज नामी किसी नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। दरवाजा खुलवा। हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लाश कहाँ है? अंदर है। बहुत बेदर्दी से मारा है किसी ने। जी सर। तुम एम्बुलेंस बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम लेके जाओ। तुम देखो कमरे में कोई काम की चीज मिले जो हमारे किसी काम आ सके, और जरा इनके घर वालों से तो पूछे कि ये मर्डर हुआ कैसे है। आओ। कत्ल के वक्त मक्तूल घर में अकेला था। मक्तूल की बेवा जीनत बेगम घरेलू सौदा सल्फ लेने मार्केट गई हुई थी। कत्ल इतनी बेदर्दी से किया गया था कि पुलिस के ख्याल में ये वारदात किसी खानदानी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है। आप हमारे साथ चलें। लेकिन सब क्यों? इसलिए कि लाश को सबसे पहले तूने देखा है और कातिल को नहीं देखा। लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है? इस तरह उनके सोते हुए आपका मार्केट जाना रोज का मामूल था? जी रोजाना तो नहीं, लेकिन मुझे अक्सर जाना पड़ता था। आईना देख लो, खुशकिस्मती तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। सच कह रहे हैं? अगर झूठ बोलूं तो मैं मर जाऊं। इस घर का कोई और फर्द? ये उनकी वाइफ है। कत्ल आपके सामने हुआ था? लाश को सबसे पहले किसने देखा? फैयाज भाई ने। आप फैयाज हैं? जी मैं हूँ फैयाज। आप कौन है इसके? मैं नीचे वाले फ्लोर पर रहता हूँ। आप नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं, घर में कोई और था उस वक्त? सब थे। लाश सबसे पहले तूने देखी, कत्ल होते हुए किसी ने नहीं देखा, सही कह रहे हैं ये? इस बदनसीब से क्या पूछ रहे हैं, ये कुछ बताने के काबिल कहाँ है? अरे जो औरत तीसरी बार बेवा हुई हो उसके तो आंसू भी सूख जाते हैं। तीन दफा? क्या मतलब? हाँ इंस्पेक्टर साहब, बाजी के ये तीसरे शौहर थे और इनका भी कत्ल हो गया। आप हमारे साथ चलें। लेकिन साहब क्यों? इसलिए कि लाश को सबसे पहले तूने देखा है और कातिल को नहीं देखा। लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है? बीबी आप सब्र करें, तदफीन के बाद आपका तफसील बयान लिया जाएगा। लेकिन हाँ भाई, तू बताएगा नहीं कि कत्ल तूने क्यों किया? साहब खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया, जो सच था मैंने बता दिया। ओए
कहीं तेरा आशुकी माशुकी का चक्कर तो नहीं है मक्तूल की बीवी के साथ? सब जीनत बाजी मेरी बहनों की तरह थी। पकड़े जाने पर सब बहन भाई होते हैं, समझा? सब मैंने बताया तो था। रोए, सच सच बता, ये कत्ल किसने किया? तूने लाश सबसे पहले देखी, कातिल को तूने नहीं देखा। क्यों, कातिल का सुलेमानी टोपी पहना हुआ था? और तू घर उसके क्यों गया था? सब मैंने बताया ना, वो मेरी बहनों जैसी है। ओए, इसे ले जाकर लॉकअप कर। सर आप हुक्म दे तो अभी आधे घंटे में इससे उगलवाता हूँ। जितना आपसे कहा है आप सिर्फ उतना करें। और हाँ, इस लड़की के सबका शोरों की तरह फाइल तो लेकर आ। ओके सर। साहब 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 मैं बेकसूर हूँ साहब। साहब, लाश को सबसे पहले देखने वाले फयाज नामी पड़ोसी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि पुलिस का ख्याल है कि फयाज किसी न किसी शक्ल में इसमें मुलविस हो सकता है, या मुमकिन है वो कत्ल में मुलविस अफराद के मुतालिक कुछ जानता हो। पुलिस अभी तक इस भयानक कत्ल के मोहरकात तक नहीं पहुंच सकी थी, लिहाजा पुलिस ने जीनत को शामिल तफ्तीश कर लिया। मक्तूल देर तक सोने का आदी था? जी हाँ, असल में वो देर से काम पर जाते थे और रात को वापसी भी देर से होती थी, इसी वजह से देर से सोकर उठते थे। इस तरह उनके सोते हुए आपका मार्केट जाना रोज का मामूल था? जी रोजाना तो नहीं, लेकिन मुझे अक्सर जाना पड़ता था ताकि उनके उठने से पहले उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर सकूं, क्योंकि वही उनका नाश्ता भी होता था और वही उनका दोपहर का खाना भी। किसी से जाती दुश्मनी? जी मेरे इल्म में तो ऐसा कुछ नहीं। एक जाती सवाल पूछूं आपसे? जी। याफीज आपके तीसरे शोहर थे? जी हाँ। इससे पहले आपके दोनों शोहर कत्ल हुए थे ना? जी आप इसे मेरी बदकिस्मती कह सकते हैं। कोई ऐसा शख्स जो आपसे शादी करना चाहता हो लेकिन ना कर सका हो, या फिर आपने इनकार कर दिया हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, भला किसी तूफान में बहता हुआ शख्स भी कभी अपनी मर्जी कर सकता है क्या? आपके पहले शोर कैसे कत्ल हुए थे? मैं तो शुरू से ही बदकिस्मत हूँ। मैं अपने पहले शोहर के साथ बहुत खुश थी। मजा आया आप शोबे के तुम्हें? हाँ बहुत ज्यादा, और ये वाला ड्रेस ये तो मुझे बहुत पसंद आया, कितना प्यारा कलर है इसका। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? जीनत, मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे साथ हो। खुशकिस्मत? आईना देख लो, खुशकिस्मती तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। सच कह रहे हैं? अगर झूठ बोलूं तो मैं मर जाऊं। क्या हो गया, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो शादी की उम्मीद ही नहीं रही थी, मुझे क्या पता था कि मुझ जैसे काले पीले आदमी के लिए तकदीर तुम्हें ढूंढ रही थी, इसीलिए देर हो गई। आप ऐसी बातें करके क्यों मेरा दिल खराब करते हैं? कभी कभी खुद को मेरी नजर से देखिए तो आपको पता चले कि आप तो दुनिया के सबसे अच्छे सबसे प्यारे इंसान हैं। सच कह रही हो तुम? झूठ बोलूं तो मर ना जाऊं? अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं किया करूं। ये ले जाओ सब अंदरों को ले आके और एक अच्छी सी चाय बना के दे। अभी लेकर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है, क्या बातें हो रही थी भाई, बड़ी खुश नजर आ रही है। क्यों, तुम हम दोनों को खुश देखकर जल रहे हो क्या? छोटा भाई है मेरा, वो क्यों जलेगा? वैसे भाभी जिस दिन से आप इस घर में आई है ना, भाई पर भी डूब पड़ गया। क्यों, मैंने इनमें हवा भर दी है क्या? नहीं, वो आपका अक्स पड़ता है ना। अबे और कोई बात नहीं तेरे पास,
और भी दुनिया में खूबसूरत है। आपको क्या हो गया, क्यों नाराज हो रहे, मुझे तो खुश हो लेने दे। भाई, मैं तो अपने घर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो एक ही चांद का टुकड़ा है ना, बाकी सब तो चांद गिरने हैं। अभी हाथ उठा उठा के दुआएं दूंगा आपको, मेरे लिए भी अपनी जैसी लाइएगा। अच्छा, ज्यादा बकवास मत करो, जाकर हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, थोड़ी कोई क्लीन इस्तेमाल कर लो। क्या हो गया, आप क्यों मुंह फुलाकर बैठ गए? हर आदमी बस तेरी बात करता है। क्या हो गया, आपका छोटा भाई है, मस्करा बंद कर रहा है। मेरा बस चले ना, तो मैं किसी को देखने भी ना दूं तुझे। आपका बस चले तो आप मुझे शोकेस में सजा कर रखें, है ना? अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ, फिर आपको अंदर बुलाती हूँ, ठीक है? दीनत, हाँ भाई, देर हो रही है मेरे को। जी जी, बस आई। जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ। ये लीजिए। अच्छा, आप एक बात तो बताइए, शाम को कब तक वापस आएंगे आप? इस टाइम पे रोज आते हैं। वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि कहीं दोस्तों के पास तो नहीं रुकेंगे ना रास्ते में? जब से तुम आई हो कब रुका हूँ मैं दोस्तों में। ठीक है, आप घर वापस आ जाएंगे तो फिर हम कहीं बाहर चलेंगे घूमने के लिए। जीनत ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि वो नजीर के साथ शादी करके बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन शायद उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। बकवास करते हैं लोग, अल्लाह की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है? तुमने थोड़ी मारा है उन्हें। किस किस का मुंह बंद करोगे, लोग तो यही समझते हैं ना। तू मारेगा इसे, तू मारेगा। अगर तू कुत्ते की तरह भौंकता है तो कुछ नहीं, और अगर ये बात करती है तो कुत्ते की तरह भौंकती है। और शादी के सिर्फ 6 माह बाद ही नजीर मोबाइल स्नैचिंग की वारदात का शिकार हो गया और वो बेवा हो गई। पुलिस ने चंद रोजा तहकीकात के बाद एक आम रहजनी की वारदात समझते हुए केस को फाइलों में दफन कर दिया। पुलिस के मुताबिक जीनत ने नजीर के कत्ल के चंद माह बाद एक बिलाल नामी नौजवान से शादी कर ली, लेकिन बदकिस्मती ने उसका पीछा ना छोड़ा और बिलाल शादी के कुछ अरसे बाद ही शहर में होने वाली टारगेट किलिंग की भीड़ चढ़ गया और जीनत फिर तन्हा रह गई। जीनत के मुताबिक उसने शादी न करने का फैसला कर लिया था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अरे अफीज, तुम? हाँ, मैं। बहुत दिन हो गए थे, सोचा तुम्हारी खैरियत मालूम करूं। अच्छा किया जो आ गए, आओ अंदर आओ। बैठो। क्या देखने आए हो, क्या जिंदा हूं या नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है, मेरे पास तो कोई भी नहीं आता, सबको ये लगता है कि मनुष्य हूं। बकवास करते हैं लोग, अल्लाह की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है? तुमने थोड़ी मारा है उन्हें। किस किस का मुंह बंद करोगे, लोग तो यही समझते हैं ना। तुम लोगों की बातों पर क्यों तवज्जो देती हो? तो क्या
तुम ऐसा नहीं समझते। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, बल्कि मैं तो क्या जीनत, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हफीज, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद एक बेवा से? हाँ, मैं करूंगा तुमसे शादी। और आपकी हफीज से शादी हो गई? जी हाँ, मैंने उसे बहुत समझाया था लेकिन वो नहीं माना। और फिर मैं भी एक औरत हूँ, सहारे की जरूरत तो मुझे भी थी। और वैसे भी ये कौन है? सर, ये दोनों कहते हैं मियां बीवी हैं और रोडों पर सौगनों की तरह लड़ रहा है, और ये बेगारत इसको मार रहा था। सर, ये हमारे घर का मामला है। ओए, ये तेरा घर का मामला है तो घर में निपटा, क्या घर के सारे काम रोड पे करेगा तू? साहब जी, ये रोज छोटी छोटी बात पर मुझ पर हाथ उठाता है, कमाता भी नहीं है, अगर कुछ बोलूं तो लड़ता है। देखो साहब, कैसे कुत्ते की तरह जबान चला रही है। अगर इसको मारूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? इसे मारूंगा नहीं तो मेरे सर पर बैठ जाएगी ये। तू मारेगा इसे, तू मारेगा। अगर तू कुत्ते की तरह भौंकता है तो कुछ नहीं, और अगर ये बात करती है तो कुत्ते की तरह भौंकती है। मार, मार इसे, मार। बीबी आप बैठ जाएं, यहाँ रोज इस तरह की फिल्में चलती रहती हैं। और तू, तू सारी जिंदगी इसी तरह पिटती रहना, इसी तरह मार खाती रहना। हम औरत हैं, हम क्या करें? कुछ मत करना, कुछ मत करना। जिस तरह दांत खाने के लिए दिए गए हैं, हाथ जोड़ने के लिए दिए गए हैं ना, तो सारी जिंदगी हाथ जोड़कर जिंदगी गुजारना। ओए, लेके जा सर, लेके जा। पानी भेज मेरे लिए। सर, ये जीनत के साबका शौहरों की मर्डर फाइल है। इतना सीधा साधा केस था उतना ही पेचीदा होता चला जा रहा है। अहले मोहल्ला क्या कहते हैं? सर, फैयाज का साहब का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, और सर लोगों को तो हैरानी है उसके इसमें मुलव्वस होने पर। और जीनत के बारे में क्या कहते हैं? सर, जितने मुंह उतनी बातें, कोई बदनसीब मनूस मर्द मार औरत बोलता है, और पता नहीं सर क्या क्या बोलते हैं। कुछ लोग हमदर्दी करते हैं और कुछ नफरत का इजहार भी करते हैं। सर, पुराने ख्यालात के लोग हैं और क्या कहेंगे। सर, फैयाज पर हाथ साफ करके देखें। सर, मुझे भी शक है फैयाज के ऊपर। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर, जिस भयानक अंदाज से कत्ल हुआ है वो किसी औरत का काम नहीं हो सकता। और सर, जीनत की कैफियत तो आपने देखी थी। जीनत की कैफियत भी देखी थी और उसकी कैफियत को समझा भी था। तुम किसी माहिर नफ्सियात का बंदोबस्त करो। मेरा अपना तरीका है काम करने का, तुम यहां से चले जाओ और बाहर बैठ के इंतजार करो। कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम कमल नफीस है, और आपका? जी, मेरा नाम जीनत है। आपकी खूबसूरती को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे जिस घर की जीनत आप होंगी वहाँ रोशनी ही रोशनी होगी, फिर ये अंधेरा क्यों? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जिस तरह आपकी बातें खूबसूरत हैं उस तरह हर किसी का मुकद्दर खूबसूरत नहीं होता। वैसे मैंने तो पुलिस को सब कुछ बता दिया था, फिर आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं? मेरा पुलिस से कोई वास्ता नहीं है, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर हमेशा अपने मरीज का हमदर्द होता है, और डॉक्टर का लिखा पुलिस भी रद्द नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो मरीज नहीं हूँ। अल्लाह ना करे, आप तो इतनी खूबसूरत, इतनी तंदुरुस्त और ज़हीन खातून हैं, जभी तो आपसे बात करते हुए मजा आ रहा है। लेकिन मुझे आपकी रूह जख्मी नजर आ रही है,
और मैं उन जख्मों को देखना चाहती हूँ ताकि उन पर मरहम रख सकूँ। जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? यही कि तुम्हारी रूह इतनी जख्मी क्यों है, तुम्हें क्या तकलीफ है? अम्मा क्या सबके शोर ऐसी बात है? नहीं बेटा, अपना अपना नसीब है, अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे। तेरा किसी से आंख मटक का तो नहीं चल रहा है? जवान बच्ची के सामने इल्जाम लगा रहा है? मैं शर्म करूं और तू शर्म नहीं कर सकती? तू बीवी है मेरी, तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा, नहीं तो। जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? यही कि तुम्हारी रूह इतनी जख्मी क्यों है, तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी जिंदगी शुरू से ही बहुत तकलीफ दे थी। बचपन में बहुत गुर्बत देखी और जब जवान हुई तो माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखा। मेरे वालिद मेरी वालदा को बहुत मारा करते थे। मैंने हर वक्त अपनी वालदा को बिलखते तड़पते और रोते हुए ही देखा। चप्पल पे तूने पॉलिश क्यों नहीं करी? पॉलिश तेरा बाप करेगा। क्यों मारता अम्मा? बेटा ये कोई खास बात नहीं है, आदमी मार ही करते हैं। अम्मा क्या सबके शोर ऐसी मारते? नहीं बेटा, अपना अपना नसीब है, अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे, मेरी बच्ची तेरा नसीब अच्छा करे। अंधी कहाँ है तू? ये निशान काहे का है? धोया तो सही था। सही था, अब ये निशान काहे का है? हो सकता है रस्सी का लग गया हो। रस्सी का निशान? झूठी, क्यों नहीं सुधरेगी? तू नहीं सही होगी। मैं धो देती हूँ, मुझे नहीं मारे। तू नहीं सही नहीं होगी। मुझे नहीं मारे। खुदा का वास्ता मुझे नहीं मारे। तू नहीं आएगी बात? कितनी दफा तेरे को समझाऊं? कितनी दफा? मैं माफ कर दूं? ध्यान से होता तेरा, क्यों नहीं सही होगी? चलो स्कूल छोड़ कर आऊं तुझे, स्कूल चल। जीनत ने अपने माजी के बारे में बताया कि उसने बचपन में गुर्बत और जवानी में माँ बाप को लड़ते हुए ही देखा था। ओ, जल्दी कर, खाने लग रहा। जी आई आई आई, सिर्फ दो मिनट। सारा दिन क्या करती रही तू? बस दो मिनट दो मिनट, तुझे पता नहीं है मैं खाना खाता हूँ? सालन पका हुआ था, तेरे लिए गरम गरम रोटियां बना रही थी। हाँ, गरम रोटी मैं खाऊं और मेरा मुंह जल जाए? जा दफा हो, पानी लेकर आ। जी अच्छा भी ले। जरा क्या हुआ? बैठ बैठ। क्या हुआ? क्या हुआ मैं बताता हूँ। थोड़ा सा नमक तेज हो गया। थोड़ा सा नमक तेज हो गया? तेरा ध्यान किधर रहता है? तेरा किसी से आंख मटक का तो नहीं चल रहा है? शर्म कर, जवान बच्ची के सामने इल्जाम लगा रहा है। मैं शर्म करूं पर तू शर्म नहीं कर सकती? ये सामान ना आज मैं काट कर रखूंगा। नहीं मार मुझे, नहीं मार। बच्चा नन चलाती है, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा।
ऐसी फैमिलीज की बात करता है या ऐसे मियां बीवी की बात करता है जिनकी अज़दवाजी जिंदगी में जिस्मानी तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस देखने में आता है, तो उन घरों के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर किसी न किसी नफसियाती मसले के साथ सामने आते हैं। पुलिस ने एक तरफ तो माहिर नफसियात की मदद हासिल की तो दूसरी तरफ जीनत से सख्ती के साथ पूछगछ की तो जीनत ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। जीनत के मुताबिक माँ की मौत और वालिद के जेल चले जाने के बाद रिश्तेदारों ने उसकी शादी नजीर अहमद से कर दी थी जो उम्र में उससे बड़ा था, जबकि जीनत खूबसूरत और नौजवान थी। नजीर अहमद जीनत के सामने कॉम्प्लेक्स का शिकार हुआ और शादी के कुछ अरसे बाद ही उस पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। अरे क्या बात है, आप अभी तक जाग रहे हैं? मैंने तुझे मना किया था ना कि किसी गैर मर्द से हंसा बोला ना कर। मगर बात क्या है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। हफीज के साथ बाजार गई थी? हाँ, तो क्या हुआ, वो कोई गैर तो नहीं है, आपके भाई हैं। मेरे भाइयों का साथ भी फालतू बात नहीं किया कर। एक तो मेरे समझ नहीं आता है, आखिर वक्त के साथ साथ आप इतने कॉम्प्लेक्स के शिकार क्यों होते जा रहे हैं? मैं बीवी हूँ आपकी। हाँ, उससे शादी करके मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया हूँ। बीवी है मेरी, मुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा, नहीं तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, नहीं तो क्या करेंगे आप, मारेंगे मुझे, हाथ उठाएंगे मुझ पे? हाँ, मार भी सकता हूँ, बीवी है तो मेरी। ठीक है, आज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं होगी। चल सो जा। तुम चोर हो तो मुझे मार दोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या करती रहती हो दिन भर तुम? आपका इंतजार और क्या। शादी के बाद आदमी हकीकत की दुनिया में आ जाता है और हकीकत बहुत तलख है। मेरी जेब में इतने पैसे नहीं कि रोज तुम्हें ऐशी करवा सकूं। तुम्हारे भाई नजीर का कत्ल इत्तफाकिया नहीं था। क्या, किसने और क्यों? बिलाल ने। थके हो गए, आज चाय पी लो यार। नहीं यार, अभी जरा मूड नहीं है, बाद में आते हैं। ये जो फयाज है ना, मुझे एक आंख नहीं भाता। तुम शक कर रहे हो मुझ पे? हाँ, हकीकत तो यही है। अच्छा, तो हकीकत तो ये भी है कि तुम एक कातिल हो।